तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर Facebook पर देख रहे हैं फिर भी अच्छी बात है। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेशन वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो आँख से जो आंसू आ रहे हैं इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। मैं वो आंसू के बारे में, कोई बीमारी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। अगर ये प्याज जो आप कटिंग करते हो, ये मैं जो प्रोडक्ट आपको दिखाने वाला हूँ उस प्रोडक्ट का यूज माताएं बहनों अपने घर में किचन में, अगर आप सिंगल हो कहीं पे काम करने जा रहे हो या कहीं पे आप बैचलर हो, पढ़ाई करते नहीं, पढ़ाई तो भी कोई करता ही नहीं है, पढ़ाई के बाद छोड़ो, फिर अगर आप कहीं पे सिंगल हो काम कर रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है प्याज को कटिंग करना। मतलब क्या बोलो यार, प्याज को काटने में ना यार आँख से जो आंसू निकलते हैं मैं इसको तारीफ नहीं कर सकता हूँ। एंड सेकेंड मिर्ची काटना, एक मिनट रुको, ये जो मेरे पास मिर्ची है ना भाई बहुत तीखा है, इतना तीखा है कि खाने के बाद सुबह में सिर्फ गोले हरी और से ये इतना तीखा है ये। फिर भी अगर आपको एक भी प्याज एक भी मिर्ची काटना है तो इसका मिर्ची का साइज देखो भाई बड़ा है, मतलब इस मिर्ची को भी काटना है ना उसके लिए टेंशन मत लो। मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप, मैं लगभग मैं तो काफ़ी दिन से यूज कर रहा हूँ लेकिन सोचा हूँ क्यों ना अपने दोस्तों से शेयर किया जाए। तो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार है जिसकी कीमत, इस प्रोडक्ट की कीमत जो है ना मेरे भाई आपके रिचार्ज से भी कम है, मतलब 100 रुपये से भी कम है इसकी प्रोडक्ट। और यूज बहुत ज़्यादा, चाहो तो मैं आपको दिखाता हूँ यूज करके क्या क्या यूज कर सकते हो आप इसे। इसको बोलेंगे हम, ये मेरे पास जो है ये बटरफ्लाई कंपनी का ये चॉपर है, बोले तो मतलब सब्जी काटने वाला, तो इस चॉपर को भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि इसमें आलू कटिंग कर, इसमें जो भी चीज़ें होगी वो बारीक बारीक कटिंग होंगे। लाइक अगर आपको देखना है कैसे काटना है, चलो दिखाता हूँ आपको कितनी बारीक तरीके से कटिंग है और क्या मस्त कटिंग होगा कि आप खुश हो जाएंगे यार। ये देखो आप, ये प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से रहेंगे, ये इसके अंदर में एक रबर की सीट रहती है जो कि यहाँ पे ये स्लिप नहीं करेगा। एंड इसके साइड में भी, ये जो आप देख रहे हो ये इसके साइड में भी रबर की सीट दिया हुआ है जो कि क्या होगा, मतलब जो स्लिप होती है ना ये, मतलब ईयर जो है ये स्लिप नहीं होगा। इसके अंदर में 3 ब्लेड है, ये ब्लेड सब्जी कटिंग करता है। अब मैं आपको दिखाऊं, सपोज करो मेरे पास ये एक प्याज है, मुझे इसे काटने का है, वेरी सिंपल है। फिलहाल आप इसको दो भाग कर सकते हो, एक बार से आप कटर से कटिंग करो और इसको आप इसमें डाल दो, हो गया। और अगर आप चाहो तो साथ में मिर्ची भी डाल सकते हो, लहसुन भी डाल सकते हो, जो चाहे आप सब डाल सकते हो। मुझे एक सपोज करो मुझे थोड़ा खारा बनाने का है तो मैं इसको थोड़ा काट लेता हूँ। और अगर आपको लगता है कि हाथ में मिर्ची लग जाएगी तो इसको हल्का सा कटिंग करो, इसमें डाल दो। ये मेरे पास कुछ लहसुन पड़े हुए हैं, इसको भी डाल देता हूँ इसमें ही, जस्ट हो गया। अब इसको सिर्फ कुछ नहीं करने का, इसको बंद करने का है। बिना बिजली बिल बिना एक काम कैसे करेगा, ये है एक, इसके अंदर में ना एक ये धागे लगे हुए हैं, ये देखो इसको आराम से खींचने का, इसके अंदर धागे लगे हुए। अभी क्या हुआ, हमने इसको आराम से खींचा तो ये ब्लेड जो है ना, ये देखो आप ब्लेड, ये ब्लेड इसको पकड़ लिया, ये अभी ये ब्लेड जो है ना ये पकड़ चुका है। इसके लिए ना ये ज़्यादा टाइट से खींचोगे तो ब्लेड अंदर का टूट भी जाएगा। तो फर्स्ट क्या करोगे आप, इसको ना एक बार में थोड़ा तेज़ी से खींचोगे आप। अभी क्या हुआ, अभी देखो ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो ज़्यादा कस खींचोगे तो नीचे से ये जो है ना बेस ये टूट जाएगा। तो इसको ना फर्स्ट टाइम में इसको अभी निकालो और वापस इसको निकाल करके देखो कैसे लग गया होगा। तो इसके लिए भी कटेगा नहीं, इसको ऐसे रखो आराम से इस पे रखो और फर्स्ट टाइम जब आप खींचोगे ना करने का थोड़ा दबा करके और झटका में खींचने का, एक बार इतना तेज़ी में फिर भी टूट के जाए। इसको एक बार हल्का से खींचोगे ये कट गया, आप इसको वापस देखो, बस इससे क्या होगा थोड़ा हाथ की एक्सरसाइज हो जाएगी। ये देखो इसकी क्या हालत हो गई, ये अभी तक अभी सब के सब कट चुका है। ये देखो अगर आप इसको और बारीक करना चाहते हो, और बारीक करना चाहते हो, बस 2 से 5 बार और थोड़ा तेज़ी में खींचो आप, एकदम E1 क्वालिटी के इसमें हो जाएगा। और चाहे तो कुछ भी इसमें कट सकते हो, कुछ भी बोले तो कुछ भी, ये देखो आप लाइक ये देखो दिख रहा है आपको किधर प्याज है किधर मिर्ची है, आपको दिख रहा है। मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ मोबाइल का, ये देखो आप इसमें आपको दिखना है किधर मिर्ची गया किधर क्या है, दिख रहा है आराम से दिख रही है। लेकिन ये देखो, और जब भी आप इसके कवर से खोलोगे ना तो वो नाक के सामने मत खोला क्योंकि जो गैस है ना वो आपको नाक में आ जाएगा। इसको आप चाहो तो आराम से ये क्या बोलते हैं चाकू की मदद से या फिर आप हाथ लगा करके भी यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप चम्मच यूज करो,
बराबर है। हाँ अब कुछ लोगों के सवाल ये है कि इसमें क्या क्या, हाँ आप कुछ भी कर सकते हो। देखो एक प्याज का कितना सारा हो गया, कुछ खर्चे नहीं कुछ भी नहीं, इतने सारे आपको हो गए। इसको अब निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ टमाटर का। चलो ये हमने इसको निकाल लिया एंड वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दो। अब देखो ये तो हो गई ये चीज़ें। अब अगर आप चिकन वगैरह बना रहे हो और आपको टमाटर का पिसा हुआ चाहिए, पहले याद रखना आप हर बार कि ब्लेड पहले डालने का है एंड उसके बाद अगर टमाटर को चाहो आप तो एक बार इसको कट लगा सकते हो ताकि कि ये जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। एक बार कट लगाओ आप इसको और आराम से इसको किधर भी डालो और हल्का डालो। और फर्स्ट टाइम में याद रखो, हर बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, इसको या पैसे दबाओ। इसका इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप आराम से परचेस कर सकते हो या फ्लिपकार्ट जाकर के आप वेजिटेबल चॉपर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम बटरफ्लाई कंपनी का ये है तो ये तो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, लेकिन ऐसे आप दूसरे कंपनी का लोगे तो 100 रुपये का। इसको थोड़ा पकड़ो और आराम से खींचो एक बार, ये देखो ये कट चुका है, इसको खींचो आराम से, पूरा फुल खींचने का आराम आराम से, ज़्यादा ताकत नहीं लगाने का। That's all। ये रही आपकी टमाटर के पार्ट्स और पुर्जे जो कि इधर ही घूम रहे हैं, इसके टमाटर के पार्ट्स और पुर्जे ये देखो। ये आप चाहो तो सलाद के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर क्या बोलते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप बारीक यूज करना चाहते हो टमाटर को, तब बहुत ही आसानी से। ये देखो कितनी अच्छी हो गई है ये टमाटर की क्वालिटी। आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करने का, चाकू की कोई टेंशन नहीं लेने का, ये नहीं करने का वो नहीं करने का। मेरा कितनी बार हाथ कट गया इसके लिए हमने इसको मंगाया, बहुत अच्छी है और इसका यूजेज भी बहुत अच्छा है। डेली लाइफ में आप यूज़ करोगे जल्दी ख़राब ही नहीं होगा। यूज करने के बाद आप इसको क्या करो, आराम से धो करके साइड में डाल दो। कोई सर्फ की ज़रूरत नहीं है, कोई साबुन की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा सिंपल सा चीज़ें हैं, यूज करो। और अगर चाहो तो आप इसमें काजू बादाम वगैरह काट सकते हो, काजू आप ब्रेक कर सकते हो, काजू को रख करके आप तोड़ सकते हो। इससे क्या होगा, मतलब अगर आप ज़्यादा हर चीज़ें यूज करोगे तो ये ब्लेड जो है ना ये ख़राब हो जाएंगे, ये सिर्फ काटने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ सब्ज़ी वगैरह कुछ काटो तो बेटर होगा। ओके, वीडियो कैसा लगता है कमेंट कीजिए मुझे और मुझे बताइए आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। वैसे अगर इसकी प्राइस की बात करें, अगर इस पर देखें अगर प्राइस, तो इस डब्बे पर इसकी प्राइस तकरीबन 950 रुपये लिखा हुआ है, 914 रुपये। लेकिन आपको फ्लिपकार्ट पे 200 रुपये जैसी क्वालिटी का सामान लोगे, ये 600 ml का है, इससे बड़ा भी आता है 1 kg का, वो भी आप लोगे, तो सब डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।